हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। ये जो वीडियो है ना, बस ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, क्योंकि जो एक्चुअल वीडियो जो कि मैंने शूट किया था इस थंबनेल के लिए, इस टॉपिक के लिए, वो आपको थोड़ी देर के बाद मिलने वाली है। क्योंकि वो वीडियो मैंने मतलब जब बनाई थी ना, तो मैं माइक लगाना भूल गई थी, सॉरी। बिकॉज माइक तो इंसर्ट कर दिया था, बट उसका दूसरा छोर तो इंसर्ट ही नहीं किया था, तो आई एम सो सॉरी। बस 7 मिनट की वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको लगेगा, क्योंकि आवाज़ अगर अच्छी नहीं आती है ना, तो वीडियो में दम नहीं होता है, तो देख लीजिएगा। फिर भी हिम्मत करके, इतनी ज़्यादा अच्छी बनाई थी, इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है ना, कि मुझे इसे डिलीट करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। सारी बातें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और हाँ सॉरी, अगली बार से ध्यान रखूंगी, सॉरी। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। बहुत सारे लोग जो काफ़ी दिनों से डेस्परेट हैं, उनको मतलब बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। और बहुत सारे आपसे रिलेटेड वीडियोस मैंने एक प्लेलिस्ट में बनाई है, जहाँ पर आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, आपकी फर्टाइल डेज कब है, उन सब तरह की वीडियोस मैंने उस प्लेलिस्ट में बनाई है, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आपके डाउट्स डेफिनेटली क्लियर होने वाले हैं। फिर भी अगर मन में डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर एक मंथ ऐसे ही पास होता है, क्योंकि लेडीज़ को पता ही नहीं रहता है कि उनका हाईली फर्टाइल डेज कौन सा होता है, क्योंकि सिर्फ रिलेशन प्लान करने से बेबी कंसीव नहीं होता है। मंथ में एक जो कंप्लीट जो साइकिल होती है, वहाँ पर कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस समय रिलेशन प्लान करना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। उसके अदर डेज अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है, ये मंथ ऐसे ही पास हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ कि आप अपनी फर्टाइल डेज को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, उनको तो अपने पीरियड से इतने इरेगुलर आते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि वो कैसे ट्रैक करें, क्योंकि जिनकी नियमित है, जिनकी कंप्लीट 28 दिन पे 30 दिन पे आती है, वो लोग मेरे उस प्लेलिस्ट को देख के बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी लेडीज़, उनको तो पता ही नहीं चलता है किसी दिन उनका 28 तारीख को आया, किस दिन 30 तारीख को आया, किसी दिन कंप्लीट 35 दिन की साइकिल चल रही है, किसी दिन 40 दिन की साइकिल चल रही है, तो वो लोग कैसे जान सकते हैं कि उनकी ओवुलेशन कब हुई। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ओवुलेशन के कुछ कुछ संकेत है, तो पहले वो सारी वीडियोस देख लीजिएगा, तभी आपको ये सारी वीडियोस भी समझ में आएंगी। और ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में जाने वाली है, तो कंप्लीट वीडियोस आप प्लीज़ देख लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और बस एक दिल से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को लाइक मत करिए, मेरे को चलेगा, लेकिन जितने ज़्यादा लोगों के साथ अगर आप शेयर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो लोग भी वो वीडियोज़ देखेंगे, उनको भी बेनिफिट मिलेगी, और अगर उनके साथ भी अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं दिल से दुआ आपके लिए भी ज़रूर देंगे। और कहा जाता है ना कि कर भला तो हो भला, ऊपर वाला सब देख रहा है, हेल्प करने की अगर आपकी नियत रहेगी तो आपके साथ भी सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो शुरू कर रही हूँ। बहुत सारे लोग जिनकी अनियमित पीरियड है, बहुत सारी लेडीज़ डेस्परेट हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, तो उनको मैं नटसेल में आपको ये बता दूँ कि पूरे मंथ में कुछ ऐसे डेज आते हैं जो कि काफ़ी हाईली फर्टाइल होते हैं। इस समय आपका रिलेशन प्लान करना आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा गुना बढ़ा सकती है। तो अगर आपकी पीरियड्स नॉर्मल चलती है, लाइक 28 दिन की 30 दिन की आपकी साइकिल चलती है, तो उन लेडीज़ को, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे 1 तारीख लेती हूँ कि 1 तारीख को उनका पीरियड आया है, वहाँ से लेके 10 दिन तक, मतलब 10 दिन आपको कुछ नहीं करना है, मतलब उसमें आपका बेबी कंसीव नहीं होगा, लेकिन 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक, ये जो कंप्लीट जो टाइम है, इसके बीच का जो स्पैन है, उसमें आप अल्टरनेट डे पे रिलेशन प्लान करिए, डेफिनेटली कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्टरनेट डे यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एज सुन एज जैसे ही आपका एग रिलीज़ होता है, जैसे अंडा आपका रिलीज़ हो गया आपके शरीर से, अगर हेल्दी सेल्स मेन के प्रेजेंट रहेंगे, जो पुरुषों के सेल्स हैं, अगर वो प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको फर्टिलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, एज सुन एज ही वो फर्टिलाइज हो जाएगा। तो ये है इसकी कंप्लीट, इसके पीछे की जो जानकारी कि आपको एवरी अल्टरनेट डे पे क्यों करना होता है, क्योंकि एग जो होती है वो सिर्फ एक दिन तक ही जिंदा रहती है, यानी कंप्लीट 24 घंटे, तो उस ड्यूरेशन में अगर उसे हेल्दी स्पर्म मिल जाता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब रही बात जिनकी साइकिल अगर 35 दिन की चलती है, वो लोग क्या करेंगे, तो देखिए 35 दिन की जिनकी साइकिल चलती है, उनके लिए तो सिर्फ मैं यही बात बोलूँगी कि 15 तारीख से लेके 21 तारीख, मतलब जिस दिन आपका पीरियड आया, जैसे 1 तारीख को आया,
तो 15 तारीख से लेके 21 तारीख वो हाईली फर्टाइल स्पैन है, वहां पर आप एवरी ऑल्टरनेट डे रिलेशन प्लान करिए, वहां पर कंसीव होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी लेडीज हैं जिनको 40 दिन पे पीरियड आता है, मतलब जिस दिन आया उसके 40 दिन के बाद आएगा, वो लोग क्या करेंगे? तो वो लोग के लिए मैं बता दूं कि आपको 18वें दिन से लेके 25 तारीख तक, 26 तारीख तक, 27 तारीख तक आपको इस स्पैन में रिलेशन प्लान करना है एवरी ऑल्टरनेट डे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जैसे बताया 1 तारीख मैंने लिया, 18 दिन तक उतना ज़्यादा हार्डली फर्टाइल डेज नहीं होगा आपके लिए, लेकिन 18 दिन से लेके 25 तारीख 26 तारीख तक आप कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पर कंसीव होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब रही बात, उन लोगों को भी बता दूँ कि जिनकी साइकिल बहुत ही शॉर्ट है, 25 दिन की साइकिल है, 24 दिन की साइकिल है, 26 दिन पे आ जाता है पीरियड, वो लोग क्या करें? तो उन लोगों के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिस समय आपको पीरियड्स में भी अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, उसकी लिंक्स मैं आपको यहाँ पर आई बटन पे दे दूंगी, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको नट सेल में बता दूँ कि जो 8 तारीख के बाद से, जिस दिन मतलब आपका पीरियड आया 1 तारीख को, एक हफ्ते के बाद से आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, अपने शरीर की जानकारी खुद आपको हो जाएगी कि किस समय आपका एग रिलीज हुआ है, तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि इस समय एग रिलीज हो रहा है। बहुत सारे संकेतों के बारे में मैंने बताया है, तो ये सब आपके शरीर अगर संकेत देना शुरू कर देते हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि इस समय आपका एग है, जो अंडा है वो रिलीज हो रहा है। उस समय अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिनकी साइकिल 24 दिन की, 25 दिन की चलती है, वो लोग एक हफ्ते के बाद से ही, मतलब जिस दिन पीरियड आया उसके 7 दिन के बाद से ही कोशिश करना शुरू कर देंगे 15 से 18 तारीख तक, 15 तारीख तक भी करेंगे। तो ये जो कंप्लीट जो स्पैन है वहाँ पर ऑल्टरनेट डे रिलेशन प्लान करने से बेबी कंसीव होने के चांसेस बढ़ेंगे। और मेरे मुंह में घी शक्कर अगर मैं जो भी बातें बोल रही हूँ आपके साथ लग जाए, आप भगवान मेरी बात सुने और आपकी गोद भर दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके कमेंट्स मुझे बस मिलने चाहिए कि मैम आपकी वजह से मेरा बेबी कंसीव हुआ है, बस इसी में मुझे खुशी मिल जाएगी। तो मैं दिल से यही दुआ आप लोगों को देना चाहती हूँ कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनकी पीरियड्स इरेगुलर हैं, वो अपने फर्टाइल डेज को प्लीज़ ट्रैक करें। कुछ भी मन में डाउट आता है, कुछ भी क्वेश्चन रहता है, तो प्लीज़ कमेंट करने में कोई हेजिटेशन मत करिए। और रही बात, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनकी कभी 25 दिन को आती है, तो कभी 28 दिन को आती है, कभी 30 दिन को आती है, कभी 35-40, मतलब कि इरेगुलर में भी बहुत ज़्यादा इरेगुलर है। तो वो लोग क्या करें? वो लोग एज सुन एज अपनी गायनी से ज़रूर मिलें। बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो कभी अप एंड डाउन होने लगते हैं, तो आपको चाहिए क्या कि आप उनसे कंसल्ट करें, बातें करें। तो 3 महीने आपको अच्छे से मेडिसिन अगर वो प्रिस्क्राइब कर देंगी तो आपके पीरियड्स भी रेगुलर आ जाएंगे और आपको बेबी कंसीव करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज़ बस इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ ये वीडियो एंड कर रही हूँ। भगवान सबकी गोद ज़रूर भरे। वीडियोज़ अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरा एक दूसरा चैनल है, वहाँ पर भी जाइए, वहाँ पर बेबी और पर्सनल केयर से रिलेटेड मैं सारी बातें करती हूँ जो कि मुझे विश्वास है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेंगी। और रही बात, अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।